आज शरद पूर्णिमा है, हम लोग स्नान दान के लिए आए हैं। आज दान पुण्य करना चाहिए, बहुत अच्छा लगा आके। हमेशा गंगा माई हम लोग के स्वस्थ रखें, हमेशा स्नान ध्यान करें। आज शरद पूर्णिमा है, लक्ष्मी जी की पूजा होती है, रात में खीर रखी जाती है। साल भर की सबसे बड़ी पूर्णिमा है आज। आज की शरद पूर्णिमा का बड़ा विशेष महत्व है। आज भगवान कृष्ण जी द्वारा पूरा जो है वो वहाँ पे वृंदावन में किया गया था, और आज की शरद पूर्णिमा का विशेष क्रांति होती है इनके गंगा स्नान करने से। विशेष रूप से अगर संगम में स्नान किया जाए तो व्यक्ति के ऊपर एक विशेष आभा की उत्पत्ति होती है, और जिससे बहुत ही शांति मिलती है और बड़ा ही सुखदायी होता है। आज दान पुण्य का बहुत विशेष महत्व है विशेष रूप से, और वास्तव में अगर देखा जाए तो पूर्णिमा का तो विशेष महत्व होता है। अगर उसमें शरद पूर्णिमा हो जाए तो उसमें तो बहुत बड़ा महत्व है। जितना भी आप उसमें दान पुण्य कर सके उससे अधिक से अधिक दान पुण्य करने की जरूरत है। जितने तीर्थ हैं भारत में इसका सब जगह महत्व है, लेकिन प्रयाग में बहुत विशेष महत्व है, क्योंकि ये रामायण के प्रकल से जुड़ा हुआ है भारत। जो ये प्रयागराज है रामायण से जुड़ा हुआ है, राम जी की। अतः वाल्मीकि जयंती आज है, आज ही मीरा जी की जयंती है, आज ही कुमार जयंती है, आज ही मुसलमानों का त्यौहार है बारह वफा भी आज है। अतः आज कई पर्व हैं जो कि सभी के हैं, राष्ट्रीय पर्व है। अतः जो प्रयाग में रहे अच्छा एक और है, आज एक हमारे यहाँ स्वास्थ्य की दृष्टि से आज महाराज भगवान श्री कृष्ण मनाते हैं वृंदावन में, तो आज यहाँ पर वो रात में खीर बनाएंगे लोग और खीर बना के उपरस देंगे, तो चन्मा से अमृत की वर्षा होती है। वो जो अमृत के कण गिरते हैं उसमें खीर में, उस व्यक्ति जो प्रसाद भगवान को भोग लगे पाता है उसके शरीर बहुत प्रकार की रोग दूर हो जाते हैं, चेहरे में कांति बढ़ती है, लाइट आती है। और जो गंगा नहा रहा है उसकी बात है, और प्रयाग की खास बात यह है जो यहाँ प्रातः गंगा नहाए, ब्राह्मण को दान दक्षिणा देवे, भगवान पूजा पाठ करे, उसका पूरा परिवार में अंगलमय मंगल में होता है, और उनको हर प्रकार उसमें सुख मिलता है। ये ऐसा मेरा भाव है प्रयाग में।